अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी का टाइटल है दही करी विद पकोड़ा। ये मेरी मम्मी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं चटपटी सी मज़ेदार सी खट्टी मीठी दही करी बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाह। तो दही करी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन यानी कि चने का आटा, अदरक लहसुन हरी मिर्च और धनिया जीरा का पाउडर, रोस्ट किया हुआ दही, पानी। सबसे पहले हम बाउल में दही ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो मसाला तैयार किया है ये मसाला इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा पतला सा बैटर बनाना है। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ टेबल स्पून और इसे अच्छे से विस्कर की मदद से फेंट लेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इस बैटर को थोड़ा पतला ही रखना है। जैसे जैसे हमारी करी जो है पकेंगी वैसी गाढ़ी होती जाएंगी और इसे कंटिन्यूसली इसे कोई भी विस्कर की मदद से या स्पून की मदद से हिलाते रहना है। अब हम पकौड़े की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्याज ली है बड़ी साइज़ की। प्याज को मैंने स्लाइसली कट किया है पतला पतला। यहाँ पर मैंने ये धनिया और हरी मिर्च को कट किया है बारीक बारीक, ये इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 6 से 7 टेबल स्पून चने का आटा डालेंगे, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद 2 टेबल स्पून धनिया जीरा का पाउडर इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि प्याज जो होता है ये पानी छोड़ता है। इसी से हमें मिक्स करना है प्याज जो पानी छोड़ता है अपना। इसी की मदद से हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके पकौड़े तैयार करने हैं। और हमारी जो करी है माशाल्लाह से ये भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। आप चाहो तो पकौड़ों को डायरेक्टली करी में डिप करके भी पका सकते हो बिना फ्राई किए हुए, या आप अलग से फ्राई करके भी इसके बाद करी में डाल सकते हो। चॉइस इज योर्स। तो मैं तो फ्राई करके ही डालूँगी। इस तरह से पकौड़ों को फ्राई करना है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो एक पैन में मैं ऑयल डालूँगी 2 टेबल स्पून। अब 3 से 4 लहसुन की कलियाँ को हम दस्ते से कूटेंगे और इसमें डालेंगे। अब मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी मेथी हाफ टेबल स्पून मैंने मेथी दाना डाला है। अब जो रेड चिल्ली होती है उसे मैंने कट करके डाला है और लास्ट में करी लीव्स मैंने इसमें ऐड किया है। अब हम इसे करी में डालेंगे। माशाल्लाह से हमारी करी रेडी हो चुकी है। ये तड़का दीजिए और जब आप इसे सर्व करोगे इसके बाद हमें इसमें नमक डाल के खाना है, वरना ये करी जो होती है फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और माशाल्लाह से हमारे जो पकौड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसे करी के साथ डिप करके भी खा सकते हो या ऐसे ही खा सकते हो। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।